अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सब खत्म हो जाएगा तब समझोगे का? तुम चाहते हो ना कि जग्गू जिंदा रहे, खुश रहे, तो ये हवेली जाके उसको छुड़वाने की जिद छोड़ दो हरीश। नबी हार मान ली ना बिंदी, करने लगी ना ही बस्ती वालों की तरह भाग। छल्लाद के डर ने बना दिया ना तुझको भी उसके हाथ की कठपुतली। चिकर के टुकड़े को उस हवेली पे कैसे छोड़ दे? छोड़ोगे नहीं तो क्या करोगे? गए थे ना उसे छुड़वाने, क्या हुआ? तुम्हारी दोस्ती के लिए राका ने बलि दे दी अपने जिंदगी के 3 साल, वो भी तब जब रत्ना बाऊजी पेट से है। देख हरीश, अब तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारी जग्गू बस्ती लौट के ना आ पाए। हम जग्गू को खोना नहीं चाहते हरीश। समझते, सब समझते हैं बिंदु। जग्गू के लिए तेरा प्यार और तेरी ममता का जो स्वार्थ है ना, उसने डरा दिया है तुझको। इसलिए तू उसकी तकलीफ देने वाली आजादी से ज्यादा उसको आराम देने वाली कैद की वकालत कर रही है। सब समझते हैं। हाँ, हम डर गए हैं। काहे के हम समझ गए हैं कि चित्ता होने की औकात कहाँ है। हमारी हर सांस की खबर सरकार तक पहुंच जाती है। इसलिए हम तुम्हें अब ऐसा कुछ नहीं करने देंगे जिससे तुम, जग्गू और बस्ती मुसीबत में आ जाए। भले इसके लिए हमें पहरी काहे ना काटने पड़े। इचलई, हमको ना बहुत याद आ रही है जग्गू की। चल काल उसको हवेली में बंद कर दिए है ना। चलई, तुम तो आवाज लगा कर अपने बाकी दोस्तों को बोल सकती हो ना कि जग्गू का हाल पता करे। तुम्हारा दोस्तों उसको हवेली में भी तो जा सकता है ना। कहो ना, जुगत लगा के पता करो ना कि हमारी जग्गू कैसी है। अगर हम ना चुनमुन रही होते तो फुर से उठ जाते। हमको जल्दी पहुँच कर बाबू को खाना भी तो खिलाना है, रत्ना काकी को खाना खिलाना है। दिल्ली मौजी कितना खुश होगी हमको देख कर। हम बाबा को बताएंगे कि कैसे हमने सरकार की शरण पूरी की। राम जी, ये रुपल्ले कहाँ गया? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।